दोस्तों, आज मेरे पास में है ग्राइंडर अटैचमेंट जो कि काफी यूजफुल है इलेक्ट्रिशियन के लिए, कारपेंटर के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये चलता है। तो क्या काम आता है ये, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट में सारी डिटेल बताता हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहाँ पे क्लिक करके अमेजोन से खरीद सकते हैं या आपके आसपास के मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका डेमो। तो दोस्तों, ये है वो टूल जिसे हमने अमेजोन से खरीदा था और ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। बिल्कुल नॉर्मल सी पैकिंग है इसके अंदर, और ये उसका अटैचमेंट है और ये पूरे हार्डवेयर है इसका जो कि हम अभी अटैच करेंगे। और ये 2 ब्लेड है अलग अलग की, छोटी और एक बड़ी। और ये है इसका मैनुअल बुक जिसे देख करके आप इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इतना ही इस डब्बे में हमें मिला है। तो इस अटैचमेंट को हम लगाने वाले हैं इस ग्राइंडर मशीन में। और ध्यान रहे कि ये आपकी ग्राइंडर मशीन कुछ इसी तरह की होनी चाहिए और ये वाली जो रिंग है ना, यही साइज की होनी चाहिए। तो इस अटैचमेंट को लगाने के लिए हम ये पहले पेच निकाल लेते हैं इसके। अब इसके बाद में हम ये वाला अटैचमेंट इसमें फिट करते हैं। तो सबसे पहले मेन हमारा अटैचमेंट ये है जिसे हमें यहाँ पे इसे इस तरह से लगाना है। चलिए मैं इसे इस तरह से लगा लेता हूँ। और इसे लगाने के लिए हमें एक एलंकी की मिलती है, ये वाली, इससे हमें इसे कस लेना है। ये लगा दिया। अब उसके बाद में इस अटैचमेंट को हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से। इसे टाइट करने के लिए हमें ये वाला पाना मिलता है। उसके बाद हमें इस पत्ती को हमें इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है। इसके साथ में जो हमें अटैचमेंट लगाना है वो हम पहले निकाल लेते हैं। ये हमें यहाँ पे लगाना है तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। और उसके बाद में हमें ये वाला पेच इसके ऊपर लगा लेना है। और इसे कसने के लिए, इस डेबरी को कसने के लिए हमें ये वाला पाना साथ में मिला है। तो ये देखिए, ये हो गया अटैचमेंट रेडी, बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, ये ब्लेड है जो इस तरह से वाइब्रेट करती है। तो इसकी मदद से बिजली की लाइन के अंदर जो पाइप हमें एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं गेन बॉक्स के अंदर, उसे भी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या लकड़ी में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिशियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कारपेंटर भी बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी यूजफुल टूल है ये। इसके साथ में हमें ये वाला अटैचमेंट भी मिलता है, वो भी हम इस ब्लेड को निकालेंगे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। इस अटैचमेंट को लगाने के लिए हमें यहाँ पे इसे लगाना पड़ेगा और ये अटैचमेंट इस तरह से लग जाता है। उसके बाद में ये हमें यहाँ पे रेगमल के 2 पेपर मिलते हैं, उसे हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर चिपका सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद में आप इसमें इसे चालू करके बड़े ही आराम से, और इससे कोई नुकसान नहीं है कि आपके हाथ ही अगर इसके ऊपर आ भी जाता है तो कुछ नहीं होगा, आपका हाथ वाइब्रेशन करेगा तो कुछ नहीं होगा इससे, बाकी आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये है ग्राइंडर अटैचमेंट जो कि काफी यूजफुल है इलेक्ट्रिशियन के लिए और कारपेंटर के लिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं या आपके आसपास के मार्केट में जाके पहले ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, ये टूल आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।